हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सिमरन। दोस्तों, बहुत सारा स्वागत है आपका मेरी लिटिल गार्डन में और ये खूबसूरत फूल आप सभी के लिए। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं किसी प्लांट पर कुछ भी स्पेशल नहीं बताने वाली हूं। सभी गार्डन जो मेरे गार्डन में जितने भी प्लांट हैं वो सभी आप देख पाएंगे। और जितने भी मेरे जैसे कि गार्डन में बैम्बूज बांस की जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैंने बनाई हैं, लगाई हैं, उन सभी की एक एक झलक आपको दिखाती जाऊंगी और उनकी रेट भी बताऊंगी और मैंने किस लिए मैंने इनको अपने गार्डन में लाया है ये बताऊंगी आपको। दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है मेरी लाडो जो हमेशा मेरे साथ गार्डन में आकर रहती है, मेरे पास ही रहती है जब तक मैं नीचे ना जाऊँ। तो आज हवा बहुत अच्छी सी चल रही है, आज संडे है और शायद आज 30 तारीख है जून की। तो ये सबसे पहला मेरा बास्केट है दोस्तों, मैंने अपनी हैंगिंग बास्केट में इसी बास्केट में ये प्लांट लगाकर आपको दिखाया था। तो अभी बहुत अच्छे से ये पूरा बास्केट मेरा भर गया है, ये देखिए बहुत खूबसूरत है। और कुछ हफ्ते के पिछले कुछ दिन काफ़ी गर्म गर्म दिन रहे, बहुत तेज़ धूप रही, बारिश बिल्कुल भी नहीं है। तो आज सुबह धूप बिल्कुल भी नहीं थी और ठंडी सी हवा भी चल रही है, तो तभी मैंने सोचा ये वीडियो आप सभी से शेयर करूं। तो ये रहा दोस्तों मेरा गार्डन, जो 50 स्क्वायर फिट की जगह पर ये गार्डन मैंने अपना बनाया है और ये टेरेस पर है। तो मेरे गार्डन में दोस्तों 300 से या फिर 400 तक के बीच में प्लांट होंगे, तो सभी बहुत ही बेसिक प्लांट हैं, कोई ज़्यादा अच्छे और नए किस्म के प्लांट्स फूल नहीं हैं मेरे पास। उनमें से एक ये वाटर लिली भी है, तो इनमें अभी फूल आने वाले हैं, एक फूल खिलकर चला भी गया, तो काफ़ी सारी अभी कलियाँ भी हैं इनके अंदर। तो जब मैंने ये प्लांट लाया था तो काफ़ी कम पत्ते थे इसमें, अब ढेर सारे पत्ते भी हैं इसमें। तो मेरे पॉन्ड में जो भी जितने भी फिश थे, तो ये फिश भी अभी मैंने इसी के अंदर रखा हुआ है, तो सभी इस टाइम नीचे ही बैठे होंगे शायद। तो देखिए दोस्तों, ये पोर्चुलाका का प्लांट है, जो जब भी सुबह आती हूँ तो बहुत सारे इसमें फूल खिले होते हैं, तो बेहद ही खूबसूरत ये फूल है गर्मियों का। तो शुरुआत करती हूँ इस बैम्बू आर्च से, जो मैंने एक गेट की तरह अपने हेज के आगे लगाकर रखा है। तो इसे लगाने का ये पर्पस है दोस्तों कि इसके ऊपर मैं किसी भी तरह के बेल को चढ़ा सकूं, जैसे कि मैंने रंगून क्रीपर जिसे कहते हैं मधुमालती का बेल, ये बेल मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया है। और ये जो बैम्बू आर्च है ये सिर्फ मुझे 850 रुपये में मिला है, तो मैंने इसे बनवाया मोबाइल में, इस तरह पिक मैंने उन दुकानदार को दिखाकर ये मैंने बनवाया है। और अब आ जाती हूँ दोस्तों ये मेरे बैम्बू कंपाउंड की तरफ, जो पीछे की साइड में आप देख रही हैं ग्रीन कलर का पेंट हुआ है इसमें। तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, देखिए इसी में से टिन टिन की आवाज़ आ रही है। तो जब गार्डन में आती है नेचुरल हवा चलती है तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह के साउंड का। तो ये जो मेरा बैम्बू कंपाउंड दोस्तों ये मैंने जो बनवाया है, ये 5 फीट चौड़ी और 5 फीट लंबी बनी हुई होती है दुकान में। तो जितनी आपको चाहिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप 3 पीस 4 पीस इस तरह का आप ले सकते हैं। तो ये मैंने दीवार के साथ इसे फिक्स करवाया है और हमने खुद ही किया है इसे, और बहुत पुराना इसमें पुराना हो चुका था, तो एक नया लुक आने के लिए इसमें मैंने ग्रीन पेंट किया है। तो मुझे एक पीस ये बैम्बू का दोस्तों ये 550 का आया है, तो बहुत ही सस्ती होती है, जाकर हम जब खुद ही बात करें, खुद ही देखें, तब हमें रेट का भी अंदाज़ा होता है। पहले तो लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कहीं महंगी होगी, हमारे बजट में नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, बार्गेनिंग भी कर सकते हैं हम। तो इस तरह से दोस्तों मुझे एक पीस 550 रुपये में बना था, यानी कि बना हुआ होता है ये, तो 5-6 मैंने ये पीस उठाया और अपने घर में इस तरह से फिक्स करवाया। तो इसके लगने से दोस्तों एक तो मेरे यहाँ पर मेरे गार्डन में प्राइवेसी भी हो गई, यानी कि मैं यहाँ पर जब चाहे आऊँ जाऊँ, या जब चाहे मोबाइल लेकर कोई भी वीडियो शूट करूँ या फोटो खींच लूँ, तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई देख रहा है तो क्या कोई क्या सोचेगा। तो बस इसी प्राइवेसी के लिए ही मैंने ये बैम्बू की जो ये कंपाउंड है
जो दीवार जैसी बनी हुई है ये हमने बनवाया। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि गार्डन में भी एक खूबसूरती आ गई, एक अच्छी सी लुक आने लगी। तो इस तरह के लकड़ियों की जो चीज़ें हैं दोस्तों हमें अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा लंबे लंबे ढेर सारे प्लांट को ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये मेरा नज़रिया है। वैसे सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो कुछ खाली जगह भी होनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें भी गार्डन में हमारी होनी चाहिए कि प्लांट भी दिखे। प्लांट के साथ लकड़ियों की जो चीज़ें हैं, किसी भी तरह के एलिमेंट्स हों, वो ज़रूर होनी चाहिए। जैसे ये छोटा सा फाउंटेन आप देख रही हैं गौतम बुद्ध जी का, तो ये भी काफ़ी साल से मेरे गार्डन में है, करीब 3 साल से। तो बहुत अच्छा लगता है पानी का साउंड फूलों के साथ, हवा के साथ जब ये सब चलते हैं। तो आप लोगों दोस्तों आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि मैं अपने गार्डन में नए प्लांट्स कम ही लाती हूँ। सीज़न के साथ जब सीज़न चेंज होता है, गर्मी वाले फूल या सर्दियों के फूल, तभी मैं ढेर सारी शॉपिंग करती हूँ। देखिए उन्हीं उन सभी में एक ये एक और बांस की जाली है जो मैंने दीवार के साथ, इसे देखिए इस तरह से तारों से फिक्स किया है इसे। इसके रहने से दोस्तों एक तो बैकग्राउंड जो होता है प्लांट के पीछे का बैकग्राउंड, वो भी एक अच्छा हो गया, खूबसूरत बन गया, और है भी बहुत सस्ती। ये मुझे पूरा 1000 रुपये में, यानी 1000 रुपीज़ में ये बना था पूरा। ये भी 2-3 साल से ये मेरे गार्डन में है। तो इस तरफ की जो दीवार थी, दीवार को देखिए दोस्तों मैंने बिल्कुल प्लेन छोड़ दिया है और वाइट पेंट किया है ताकि जो इसके आगे प्लांट्स रहें, प्लांट भी दिखे, अच्छी तरह से विजिबल हो सके। और इसके साथ मैंने अपना ये वर्टिकल गार्डन बनाया है। पहले लोहे का फ्रेम है इसके पीछे, उसके फिर आगे छोटे छोटे पॉट लगे हैं। तो देखिए इस तरह से, देखिए जो भी लुक आता है तो सच में बहुत अच्छा लगता है। एकदम से बहुत सारे प्लांट को भर देने से बस प्लांट ही प्लांट दिखते हैं। और ये एक और मेरे दोस्तों, ये बैम्बू की यानी कि लकड़ी की बनी हुई ये विंड चाइम है, तो ये भी मुझे एक एग्जीबिशन से मिला था। ये 500 रुपीज़ का है सिर्फ, तो सालों साल ये चलता है, ये ख़राब भी नहीं होता है। जब भी कभी हवा चलती है तो इस तरह के साउंड जब आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी सुन पा रहे होंगे। अब दोस्तों इस लकड़ी की जो हेज है इसमें आती हूँ, हेज कह लीजिए, फेंस कह लीजिए। तो इस तरह का दोस्तों देखिए मैंने ये अपने कारपेंटर से बनवाया। तो पहले मैंने अपने दोस्तों जितनी जगह थी उसका मैंने मेजरमेंट किया और उनको जाकर बताया और कितनी हाइट चाहिए, ये इसलिए मैंने ये इस तरह से उनको बताकर ये बनवाया। और आते जाते ही मैं इसका गेट खोलती हूँ, बाकी टाइम मैं बंद रखती हूँ ताकि मेरे डब्बू और ये लाडो यहाँ पर आके शीट मेरे जो ग्रास शीट को ख़राब ना करें। और ये जो लकड़ी है पूरी तरह से पानी में रहने वाला और धूप में रहने ही वाला है। जब भी इस तरह के कोई हेज बनवाएं आप, तो लकड़ी के लिए अच्छी तरह से पूछताछ कीजिए, जैसा भी वो कारपेंटर हमारे सजेस्ट करें वही लकड़ी का आप ये बनवाएं। तो ये एक मैंने टेरेस पर इसे फिक्स करने के लिए, और कोई मेरे पास रास्ता नहीं था, तो पॉट के अंदर सीमेंट भरकर फिर मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स किया है। तो अब ये चाहे तेज़ हवा भी हो, कुछ भी हो, देखिए मैं गमले भी टांग सकती हूँ इसमें। तो इससे दोस्तों मेरे गार्डन की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती भी आ रही है, और यहाँ पर जो मेरा आर्टिफिशियल ग्रास लगा हुआ है ये भी पूरी तरह से, ये देखिए ये मेरा आर्टिफिशियल ग्रास है दोस्तों। तो ये जो मेरा ग्रास है ये भी पूरी तरह से बचा रहता है, क्योंकि यहाँ पे डब्बू जो मेरे डॉग हैं, घर के जो मेरे पेट्स हैं, वो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, इसे ख़राब नहीं कर पाते हैं दोस्तों। ये आर्टिफिशियल ग्रास भी मुझे 3-3500 रुपये के अंदर ही आया था। तो आप अपना इस तरह से एक बजट बना कर रखें कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो एकदम से हमने जाकर तो चीज़ लेनी नहीं है दोस्तों, उससे हमारा बजट भी ख़राब होगा। तो ध्यान में रखना है हमें कोई चीज़ हमारी जो नीड है वही हम जाकर लें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम अपने गार्डन के लिए खरीद लेते हैं, बाद में समझ नहीं आता है कि उसे कहाँ लगाएं, कैसे रखें। और देखिए दोस्तों ये वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन करके मैंने बांस यहाँ पर फिक्स करवाए हैं ताकि इनको एक प्लांट के आगे ये जब आए तो खूबसूरत लगे।
बहुत इजी है दोस्तों, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर ये वीडियो भी देखें। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जब हम अपने गार्डन में ऐड करते हैं दोस्तों, प्लांट के साथ ये सब होना बहुत अच्छा लगता है। और इसी बड़े से पॉट में मेरा ये रंगून क्रीपर लगा हुआ है। और ये दोस्तों, ये जो बड़ा सा ब्रिक देख रहे हैं, देखिए ये सीमेंट से बना हुआ है। एक्चुअली दोस्तों ये पिलर है, ये जो मेरे लोहे का फ्रेम है, ये वाला लोहे का फ्रेम दोस्तों, ये मेरे गर्मियों में जो मैं गर्मियों की जो जाली लगाती हूँ, यानी कि ऊपर नेट शेड लगाती हूँ, हरी सी जाली जो ऊपर देख रहे हैं, ये इन्हीं को फिक्स करने के लिए ये लोहे का फ्रेम मैंने बनवाया था। और दोस्तों ये भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 6 या 7 हज़ार रुपये में ये मेरा पूरा लोहे का फ्रेम ऊपर बना हुआ है और हमेशा ये फिक्स रहता है। तो 2-3 महीनों के लिए जब हम गर्मियों में बांस की नेट जाली लगाते हैं तो प्लांट को भी बचा के रखता है तेज़ धूप से। बाद में जब सर्दियाँ आती हैं तो तब मैं इन जाली को हटा देती हूँ। तो दोस्तों मुझे प्लांट्स रखने का शौक तो है ही, प्लांट्स के साथ में मुझे हमेशा ये भी मेरे ध्यान में रहता है कि कोई और चीज़ें भी मैं साथ में ऐड करूं, जैसे कि मैंने आपको अभी अपना कंपाउंड भी दिखा दिया और ये बांस की जो आर्च है ये भी दिखाया और हेज भी दिखाया, सबकी बातें मैंने आपको बताई। देखो देखिए दोस्तों, इस तरह की जो बास्केट्स हैं ये भी हमारे गार्डन को बहुत अच्छा सुंदर बनाते हैं। जब भी मौका मिले ऐसी चीज़ें दिखाई दें तो हमें ज़रूर लेना चाहिए, कोई ज़्यादा महंगी तो आती नहीं है, आजकल ये सभी बहुत अच्छे रेट्स में आते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों वैसे मैंने अपने किसी भी प्लांट्स का नाम नहीं लिया है, अगर आप मुझे किसी भी एक प्लांट के बारे में पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें। वैसे आज की वीडियो दोस्तों जो है वो ऐसी चीज़ों पर मैंने बनाया है जो सामने आप देख रहे हैं, जैसे बांस है, लकड़ियां हैं, कोई पत्थर है, जैसे ये घास की जो ये बिछी हुई है आर्टिफिशियल ग्रास, ऐसी ही चीज़ों पर आज मैंने आप सभी से बात की है। जैसे कि दोस्तों देखिए, ये इस तरफ की जो दीवार है मेरी, यहाँ पर कोई खिड़की नहीं था पर मैंने एक खिड़की यहाँ दीवार पर अटैच किया है और उसके आगे ये बास्केट लगाया है। तो इस तरह से एक नई चीज़ का ऐड भी हुआ है मेरे गार्डन में, मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने क्या नया किया और प्लांट भी उसमें लगा है। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें हमें अपने गार्डन में एक्सपेरिमेंट भी करना ही चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत महंगी चीज़ ही, महंगी एलिमेंट ही हमारे गार्डन में आएगा और गार्डन खूबसूरत बनेगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप ये लोहे का स्टैंड देख रहे हैं और देखिए ये पत्थर सामने पड़े हुए हैं, ये भी कितना खूबसूरत लगता है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आप हमेशा पूछते हैं मुझे, ये तो हमें बाहर रोड साइड में भी मिलता ही है और नर्सरी में भी मिलते हैं। तो चंडीगढ़ एक नर्सरी है, वहाँ से मैं ये पत्थर हमेशा जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं ले आती हूँ। और इस तरह के ये जो गौतम भगवान जी का जो आप हमेशा मेरे गार्डन में देखते हैं इनके स्टैचू, तो सच कहूँ दोस्तों इनका सच में मेरे गार्डन को और मुझे बहुत ब्लेसिंग्स हैं। तो तभी आप सभी मुझे मेरे गार्डन को बहुत प्यार बहुत सराहते हैं, बहुत आप सभी का सभी के शुक्रगुजार होती हूँ हमेशा। देखिए दोस्तों, एक ये स्पाइडर प्लांट है, बहुत ही आम हो चुका है आजकल ये प्लांट, हर गार्डन मतलब कि हर नर्सरी में मिलता है, हर कहीं हर मौसम में। तो ये प्लांट बिल्कुल परमानेंट होता है, इस तरह के प्लांट्स को आप अपने गार्डन में शामिल करें। और फ्रेंड्स, मेरी गार्डन का एक ये भी कॉर्नर है जहाँ पर मैंने एक छोटा सा पॉन्ड बनाकर रखा है, इस पर भी मैंने कोई ज़्यादा पैसों का खर्च नहीं किया है। देखिए पानी का पुराना वाटर टैंक ही इस्तेमाल हुआ है और एक मटकी है और कूलर का एक पंप लगा हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को भी ज़रूर सर्च कर देखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती हूँ, हमारे कुछ भाई बहन हैं जो जिनके पास टाइम कम होता है। तो दोस्तों आप सभी से विदा लेती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।